गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम अपने पाठ्य पुस्तक के दो कविताएं और दो पाठ जो हमारे सिलेबस में हैं वो हम कर चुके हैं। ओके। और इसके बाद हमने ग्रामर के भी बहुत सारे विषय कर लिए हैं, काफी ग्रामर हम कर चुके हैं। आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे आप बाद में मुझे उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम पत्र करेंगे, पत्र लेखन, लेखन कौशल का एक भाग है पत्र लेखन, राइटिंग स्किल जिसे हम कहते हैं। ओके बेटा, जब हम पत्र लेखन करते हैं तो दो तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरे अनौपचारिक पत्र, राइट। एक औपचारिक पत्र और दूसरे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं फॉर्मल लेटर्स, जितनी भी ऑफिशियल लेटर्स होती हैं, प्रधानाचार्य जी को पत्र, नगर निगम अधिकारी को पत्र, बैंक अधिकारी को पत्र, जितने भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं फॉर्मली, वो सब औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। ओके। इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं जिसमें हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, भाई को, माता पिता को, किसी भी रिश्तेदार को जो हम पत्र लिखते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र, राइट। आज हम बेटा दोनों पत्र डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ चीजें आपको, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए पत्र लिखते हुए। कौन सी बातें ध्यान में होनी चाहिए? सबसे पहले बेटा प्रारूप। प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट, आप कौन सा पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक लिख रहे हैं या अनौपचारिक लिख रहे हैं, उसी के प्रारूप के अनुसार आपको लिखना होता है, उसी के फॉर्मेट पर, ठीक है। दूसरी बात है विषय। विषय यानी कि कंटेंट। कंटेंट विषय, जो विषय आपको दिया गया है उसी विषय से संबंधित लिखे बेटा, विषय से ना भटके। ओके। उसी विषय के आसपास आपको पत्र लिखना है। तीसरी बात होती है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण का मतलब है सेंटेंस फॉर्मेशन। आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वाक्य निर्माण बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक वाक्य दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद है प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, आपने कैसे उसको प्रस्तुत किया है, यानी कि जो आप विषय लिख रहे हैं आपके विचार एक सीरियल ऑर्डर में चलने चाहिए। जो बात पहले कहनी है वो पहले की जाए, जो बात बाद में करनी है वो बाद में की जाए, ठीक है। उसके बाद है शब्दावली। शब्दावली मीन्स वोकैबुलरी। अब आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, आपकी शब्दावली में बहुत सारे शब्द जुड़ चुके हैं, नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यथास्थान, जहां जो शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए वहीं पर हो, ठीक है। उसके बाद भाषा, केवल हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए, लैंग्वेज, अंग्रेजी या पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी या पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, केवल हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो,
ठीक है। उसके बाद बहुत जरूरी बात है वर्तनी। वर्तनी का अर्थ है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आप स्पेलिंग्स भी बिल्कुल ठीक लिखेंगे, स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए। ओके, क्योंकि बेटा हिंदी ऐसी भाषा है, आप जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। अगर आपका उच्चारण ठीक होगा तो आपकी वर्तनी में अशुद्धियां नहीं होंगी। तो बेटा इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप पत्र लेखन करेंगे। प्रारूप, विषय, वाक्य निर्माण, प्रस्तुति, शब्दावली, भाषा और वर्तनी कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र से शुरू करेंगे। औपचारिक पत्रों की कड़ी में आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में बेटा प्रधानाचार्य जी को पत्र है। प्रधानाचार्य जी को पत्र। ओके, कोई मुझे बताएगा हम ये पत्र कैसे लिखते हैं, इसका प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है लिखने का? आप में से कोई भी मुझे बता सके तो। ओके, हाँ जी बानी बताइए बेटा। ओके ठीक है, आपकी कॉपी में लेफ्ट साइड पर मार्जिन है। आप चाहे औपचारिक पत्र लिखें चाहे अनौपचारिक पत्र लिखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड पर मार्जिन लाइन के साथ साथ लिखना है और कहीं कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ओके, आप कहीं भी कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे और मार्जिन लाइन के साथ साथ लिखेंगे। अब प्रधानाचार्य जी को पत्र हम कैसे लिखेंगे? सेवा में बेटा कहीं कोई कॉमा नहीं आएगा, कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं आएगा, फॉर्मेट के ऊपर और नीचे के भाग में। जब आप सेंटर में बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे तब उसमें हम पूर्ण विराम या कॉमा का प्रयोग करेंगे, ऊपर के भाग में और जो हम नीचे लिखेंगे वहां पर भी कोई कॉमा या पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक से नोट कीजिएगा। सेवा में प्रधानाचार्य जी, उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल, उसके बाद शहर जालंधर। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल, जालंधर। ठीक है, इसके बाद विषय। विषय मतलब टॉपिक, हमने किस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, किस विषय से संबंधित लिखना है। हाँ जी प्रबल। ओके, दिनांक लिखिए। दिनांक, दिनांक बेटा आप न्यूमेरिकल्स में लिखिए। ठीक है, 29/4/21। हाँ जी जयवंत बोलिए बेटा। जयवंत बोलिए। ओके, आज आप जयवंत के नाम से आए हैं। ओके,
अच्छा है आप पढ़ ले बेटा, आज भी इनकी वीडियो बनाए और मुझे भेजें प्लीज। आज ये जयवंत के नाम से है यहाँ पर। बेटा वीडियो बनाइए प्लीज। ओके चलिए। हाँ जी जयवंत, आपने बेटा अपना रोल नंबर लिखा है सब कुछ? ओके बेटा ठीक है ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग अपनी वीडियोस ऑन रखा करें। ओके चलिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल, जालंधर, दिनांक। उसके बाद आप लिखें विषय। ठीक है, विषय में बेटा जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उससे रिलेटेड। सपोज आपसे कहा है कि सेक्शन बदलवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखे, तो आप विषय में क्या लिखेंगे? सेक्शन बदलवाने के लिए। ओके सेक्शन बदलवाने के लिए, राइट? हाँ जी करणवीर। ओके बेटा फाइन, विषय सेक्शन बदलवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमती जी। बेटा श्रीमती एक ही शब्द है, इसको आप अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, श्रीमती जी, राइट? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जहां आपने जी खत्म किया है वहां से सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र हूं। ठीक है, गर्ल्स लिखेंगी मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा हूं। ओके गर्ल्स लिखेंगी मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा हूं। उसके बाद हम यहां पर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। डन, जो भी आपको विषय दिया गया है उससे संबंधित यहां पर आप लिखेंगे, राइट? जब आप पत्र खत्म करेंगे यहां लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद के स्पेलिंग्स देखिए बेटा, आधा न है। ओके और य के साथ आ की मात्रा नहीं है, जो हम अक्सर गलती करते हैं, धन्यवाद लिख देते हैं। धन्यवाद, आधा न और य, ठीक है? इसके बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। आज्ञाकारिणी के स्पेलिंग्स देखिए बेटा, आज्ञाकारिणी। ओके आज्ञाकारी का स्त्रीलिंग हो गया आज्ञाकारिणी। ओके नहीं अनवे, यहां भी कहीं कॉमा नहीं आएगा। ओके आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, यहां आप लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगी। ओके बेटा कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कहीं कोई लाइन लीव नहीं करनी है, राइट? चलिए, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र, डैश नाम, डैश कक्षा, डैश नाम
डैश कक्षा डैश अनुक्रमांक, अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, अनुक्रमांक, राइट। यहां पर बेटा आप डैश कक्षा डैश नाम डैश अनुक्रमांक ही लिखेंगे, अपना नाम अपनी कक्षा और अपना रोल नंबर नहीं लिखना है, ओके। डैश नाम डैश कक्षा डैश अनुक्रमांक, क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। सेवा में प्रधानाचार्य जी स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल जालंधर, दिनांक, विषय श्रीमती जी, उसके बाद ये कंटेंट बीच वाला, सब इन्हें निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। उसके बाद धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र, डैश नाम डैश कक्षा डैश अनुक्रमांक। नहीं बेटा सेंटर में नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, सेंटर में नहीं लिखना, ओके। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, ओके। अब मुझे बताइए सेक्शन बदलवाने के लिए जब आप पत्र लिख रहे हैं तो यहां आप क्या लिखेंगे, कंटेंट में क्या आएगा? हां जी प्रबल, वेरी गुड प्रबल। कोई और बताएगा बेटा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी में यही। कोई और बताएगा? हाँ जी अवनी, अवनी ओके फाइन फाइन, यस बानी बोलिए बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, राइट। आप बेटा इसमें कोई भी रीजन लिख सकते हैं। अभी हमारे पास दो रीजन्स आए हैं बच्चों ने जो बताए। एक ने बोला कि हम यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना आपका छात्र हूं, फिर उसके बाद लिखेंगे मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई की और कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं और बाकी बच्चों को भी
नहीं देते हैं या उनकी पढ़ाई में भी रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्होंने मेरी कॉपी छीन ली और कई बार मुझे तंग किया है। मैंने अपनी कक्षा अध्यापिका से इस संबंधी बात की, उन्होंने बच्चों को समझाया भी, लेकिन फिर भी वे बच्चे नहीं मानते हैं। इससे मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता और मेरे अपनी कक्षा में भी कम अंक आए हैं, कक्षा परीक्षा में कम अंक आए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरा सेक्शन बदल दें। मुझे क से ए सेक्शन है ना, जैसे मुझे क सेक्शन से ग सेक्शन में भेज दिया जाए। आशा है कि आप मेरी बात की ओर ध्यान देंगी। ठीक है, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरी एक और बहन हमारे ही विद्यालय में 8वीं ग कक्षा में पढ़ती है। हम दोनों बहनें इकट्ठी ही पढ़ती हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं कि हम दोनों इकट्ठे ही विद्यालय आते हैं, इकट्ठे ही जाते हैं। मेरे पिताजी एक साधारण सी नौकरी करते हैं। हमारे पास किताबें भी एक ही सेट है जिसे हम दोनों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग सेक्शन में होने के कारण कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। आशा है कि आप इस परेशानी को समझेंगी। आशा है कि आप इस परेशानी को समझेंगी और हमें एक ही सेक्शन में जाने की अनुमति देंगी। इसलिए कृपया मेरा सेक्शन क से ग कर दें। धन्यवाद। कृपया में बेटा आप ऐसे लिखेंगे, कृपया। ओके, कृपया। इस तरह से बेटा आपने ये पत्र लिखना है। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी प्रबल। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, ये था औपचारिक पत्र। उसके बाद है बेटा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मैंने आपको बताया, आप अपने किसी सगे संबंधी, किसी मित्र, भाई बहन, माता पिता, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड से ही लिखेंगे और कोई भी लाइन आप बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्लियर बेटा? क्लियर। हमारे सिलेबस में इस बार मित्र या भाई को पत्र है, दोनों में से कोई भी हो सकता है और विषय तो कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम लिखना कैसे शुरू करेंगे? औपचारिक पत्र में हमने लिखा था सेवा में, अब हम सेवा में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परीक्षा भवन। परीक्षा भवन, उसके बाद शहर का नाम, जालंधर, फिर दिनांक, दिनांक फिर न्यूमेरिकल्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रिय मित्र या प्रिय भाई। ठीक है बेटा, जब आप मित्र को पत्र लिखेंगे तो आप लिखेंगे नमस्ते। आपका बड़ा भाई या मित्र दोनों के लिए नमस्ते। अगर आपको आए छोटे भाई को पत्र लिखें, ठीक है, छोटे भाई को पत्र, तो आप लिखेंगे शुभाशीष।
अगर आप बड़े भाई को या मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे नमस्ते, छोटे भाई को लिखेंगे शुभाशीष। ओके ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हम सब यहां पर कुशल हैं, हम सब यहां पर कुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगे। ठीक है, जब आप छोटे भाई को लिखेंगे तो आप तुम करके संबोधित कर सकते हैं, जब आप मित्र को या बड़े भाई को लिखेंगे तो आप लिखकर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आगे समाचार यह है कि, आगे समाचार यह है कि डैश डैश डैश, यानी कि यहां पर हमने कंटेंट लिखना है। ओके, यहां हमने कंटेंट लिखना है। नीचे लास्ट में हम लिखेंगे पत्र लिखने वाला या पत्र लिखने वाली तुम्हारा मित्र या तुम्हारा भाई या आपका भाई, मतलब जैसे भी आपने यहां पर संबोधित किया था, तुम लिखा है पूरे पत्र में तो यहां तुम्हारा आ जाएगा, आप करके लिखा है तो यहां पर आप आ जाएगा। ओके, डैश नाम डैश पता। ठीक है, डैश नाम डैश पता, यहां आपने अपना नाम और अपना पता नहीं लिखना, सेम ऐसे लिखना है डैश नाम डैश पता। परीक्षा भवन जालंधर दिनांक प्रिय मित्र या प्रिय भाई नमस्ते, भाई के लिए भी और मित्र के लिए भी नमस्ते, बड़े भाई के लिए नमस्ते, छोटे भाई के लिए शुभाशीष, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होगे, आगे समाचार यह है कि पत्र लिखने वाला तुम्हारा मित्र या तुम्हारा भाई डैश नाम डैश पता। क्लियर बेटा, आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, राइट। अब हम एक पत्र डिस्कस करेंगे कि अपने भाई की शादी में मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखे, तो आप क्या कंटेंट लिखेंगे? अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए मित्र को पत्र। हाँ जी प्रबल, हाँ जी बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ जी बानी बोलिए बेटा, क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। बताइए बानी। बेटा आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपकी आवाज बहुत बानी, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। यस पुण्या बोलिए बेटा। बेटा आपने तारीख भी बतानी है, दिन भी बताना है, और आपने दिन तारीख समय सब कुछ बताना है, और कहाँ आना है ये भी लिखेंगे। ठीक
ठीक है, समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी 1 मई 2021 को होनी तय हुई है। बारात लुधियाना जाएगी। कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए दिन के समय शादी रखी गई है। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लेकर जा रहे हैं। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया है या निमंत्रित किया है। आशा है कि तुम समय से पहुंच जाओगे और सभी कार्यक्रमों का आनंद लोगे। ठीक है, लास्ट में लिखोगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। चाचा जी और चाची जी को या अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना और छोटों को प्यार देना। तुम्हारा मित्र, पत्र लिखने वाला तुम्हारा मित्र, डैश नाम, डैश पता।